हमको कोई तकलीफ नहीं होती। आप हमारे किसी पर भी करो कोई बात नहीं, मगर एक बात याद रखो, उसे जीतोगे। मैं तकलीफ से रोकूंगा, तुम बुलडोजर से मेरे घर को तोड़ दिए, मैं आसमान के नीचे अपनी जिंदगी गुजार रहा हूं, मगर जब तुम मेरे दिल पर हमला करोगे तो जिसम की हर कुर्बानी को हानि नहीं होगी। जिसको अल्लाह ने रहमत आलमीन बनाकर भिजाया, अल्लाह ने जिसको मुबशिर कहा, बशीर कहा, अरे आसमान पर थूकने से आसमान पर थूक नहीं जाता, थूकने वाले के चेहरे पर थूक देता है। और कुरान में, कुरान में बताया गया, सुनो, कुरान करीम में बताया गया कि जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता, एक शख्स था मुगीरा बिन वलीद उसका नाम था, वलीद बिन मुगीरा उसका नाम था, वो भी गुस्ताखी करता था। तो कुरान करीम ऐलान कर रहा है कि जो नबी की शान में बकवास बकेगा वो वलदुल हार, बोल चुके तो क्या महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को यह शेर देता है, एकनाथ शिंदे उसका साथ दे, क्यों क्यों एकनाथ शिंदे उसका साथ दे रहे हैं? कानून अगर है तो उसे गिरफ्तार करो। हम क्या पूछ रहे हैं? हम ये नहीं कह रहे कि आसमान से तारे तोड़ कर ला कर दो, हम ये नहीं कह रहे कि चांद से मट्टी ला कर दो, हम ये कह रहे हैं कि कानून का इस्तेमाल करो और उसको जेल को भिजाओ। मगर आज आप देख रहे हैं कि कोई इस पर जितने सेकुलर पार्टीज है सब कानून सन्नाटा है, भूखे बनकर बैठे हुए हैं, कोई नहीं बोल रहा है इसके ऊपर। जब इंतजार जमीन ने ऐलान किया कि जुलूस निकाला जाएगा, इतिहास होगा, तो हमने हर पार्टी के जिम्मेदारों को सतह पर लिख कर भिजाया कि आओ इस एहतजाज में, ये मजलिस का एहतजाज नहीं है, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत के लिए हम निकल रहे हैं, ये नामूस ए रिसालत का मसला है, इसमें तुम्हारे मेरे सियासी इख्तलाफात हम इसको बाजू रखते हैं थोड़े दिन देर के लिए, मगर कोई सेकुलर पार्टी तक भी नहीं आया। क्यों नहीं आया भाई? हमने कांग्रेस को लेकर भिजाया, राष्ट्रवादी को लेकर भिजाया, समाजवादी को भिजाया, जितने जितने ये सब लोग हैं सबको हक भिजाया इम्तियाज जलील ने कि आओ तुम खियादत करो, इम्तियाज जलील तुम्हारे पीछे चलेगा, मगर कोई नहीं आए। और सबको एक ही एक फिक्र राहत थी कि औरंगाबाद से इम्तियाज जलील को पुलिस निकलने नहीं देगी, निकलेगा तो पुलिस अरेस्ट कर लेगी, या अगर जाएगा तो रोड पर गबर हो जाएगी। याद रखो महाराष्ट्र के मुसलमानों, जब तक तुम इंतजार नहीं करोगे हम अपने मसाइल को हल नहीं करवाएंगे। तुमने एक कोशिश की, तुमने लाखों की तादाद में निकला और आज महाराष्ट्र की हुकूमत परेशान है, बीजेपी के पांच पांच मुख्यमंत्री को हक लिख कर कह रहे हैं कि जिसने प्रॉफेट मोहम्मद की शान में गुस्ताखी की, अनाप शनाप करने की कोशिश की, उसको गिरफ्तार किया जाए। एकनाथ शिंदे को मालूम हो गया कि यह आज का मुस्लिम नौजवान, ये आज की हमारी माँ और बहने अब तुमसे डरने वाले नहीं है। जब मराठा रिजर्वेशन के लिए मराठा लोग रोड पर निकल सके,
अर्जक का जन्म कर सकते हैं। जब बैकवर्ड कास्ट के लोग अपने मुकालेबाज के लिए रोड पर निकलकर मुंबई को बंद करा सकते हैं, जब दलित लोग अपने मनवाने के लिए हुकूमत को इंतजार कर सकते हैं, जब महाराष्ट्र का किसान हजारों मील चलकर मुंबई आ सकता है, तो क्या एक मुसलमान अपने नबी की अस्मत के लिए रोड पर नहीं निकल सकता? हम निकल सकते हैं। मैं मुबारकबाद देता हूं आप तमाम को कि आपने इतिहास किया, पुरमन इतिहास किया। मैं मुबारकबाद देता हूं इम्तियाज जलील की हिम्मत अमली को कि थाने के पास इम्तियाज जलील ने कमिश्नर और कलेक्टर को बुलाया और हमारी मांग को लेकर उनको दिया और इम्तियाज जलील ने कह दिया कि हम मुंबई एंटर नहीं होंगे और उस पुरमन तरीके से वो तमाम लोग अपने घरों को वापिस हो गए। अब सुनो एकनाथ शिंदे और फडणवीस, हम मुंबई में अंदर नहीं हुए, अब मुंबई के अंदर इंशाअल्लाह इतिहास शुरू होने वाला है। अब मुंबई के अंदर पुरमन इतिहास शुरू होगा। आपको परमिशन दो या ना दो, हम एक दिन जाकर आजाद मैदान में भेंट देंगे और मुझे यकीन है कि आपका साथ मिलेगा। नहीं रोक सकी तो रसूलुल्लाह के गुलाम अपने नबी की शान के लिए, अस्मत रसूल के लिए हम क्या जाकर नहीं बैठ सकते? तो हुकूमत चल रहे एकनाथ शिंदे, फडणवीस, अजीत पवार, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, शेर जाग चुका है। अब शेर जाग चुका है। हमारी माँ बहनों ने अपने बेटों से कहना भेजा मैदान में हमको सिवा गिराने वाले के लिए हमको खड़े होना है। मैं सलाम करता हूं तुम्हारे हृदय को, मैं सलाम करता हूं और याद रखो हम बताना लोग हम समय देखो बारिश भी रुक गई, विश्वास के बारिश से डरना नहीं, बारिश हो रही के पर निकल के बरसा अल्लाह की रहमत बरस रही है। कोई बात एक बात हमारे हिंदू भाइयों को बताना चाहते हैं, हमको दीन कैसे मिला, हम क्यों मुसलमान हुए, हम क्यों नमाज पढ़ते हैं, हम क्यों रोजा रखते हैं, हम क्यों मस्जिदों को बनाते हैं, हम क्यों गरीबों को खाना खिलाते हैं, हम क्यों यतीमों की मदद करते हैं, हम क्यों बेवाओं के की मदद करते हैं? इसलिए कि हमारे रसूल ने हमको सिखाया, इसलिए कि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको सिखाया। अगर वो हमको नहीं सिखाते तो हम नहीं करते। उन्होंने बताया करो, हम बोले करेंगे। तो ये बात आपको समझता है और अजीजाए मिलत इस्लामिया कुरान करीम में अल्लाह फरमाता है सूरह हुजरात में कि ए ईमान वालों अपनी आवाज को, अल्लाह बोल रहा कुरान में कि ए ईमान वालों अपनी आवाज को नबी की आवाज के आगे बुलंद मत करो वरना तुम्हारे आमाल हफ कर लिए जाएंगे, खत्म कर दिए जाएंगे। एक सहाबी रसूल थे इनका नाम साबित बिन हैस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उन्होंने सुना तो रोते हुए बारगाह नबूवत से चले गए, कई दिन तक नहीं आए। सहाबा इकराम को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा और भेज कर पूछा कहां है साबित, कहां है साबित बिन हैस, बड़ा करने कराओ। तो साबित बिन हैस से सहाबा इकराम ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम पहुंचाया। तो साबित बिन हैस ने कहा मैं उनकी आवाज में बात करता हूं, मेरे अमाल खत्म हो गए, मैं जहन्नमी हो गया। जाके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोले कि आहा साबित बिन कैस ये कह रहे हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, वो जन्नती है, वो जन्नती है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों,
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में है, हदीस बोल रहे हैं, हदीस को बयान कर रहे हैं, लोग उस महफिल में देख रहे हैं कि इमाम मालिक का चेहरे का रंग बदल रहा है, बदल रहा है, तकलीफ सुनाया है। और जब आप हदीस बयान कर चुके, उठकर आपने कपड़े को झटका दे, भिक्षु निकला, लोगों ने पूछा इमाम मालिक आप क्यों नहीं उठ गए, तो इमाम मालिक ने कहा कि मैं रहमतुल्लाह अलैह की हदीस को बयान कर रहा था, उसके अदब को मलूज रखकर इस दस्त वाले की दस्त को बर्दाश्त कर रहा था भिक्षु की, क्योंकि अदब मेरे सामने था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मेरे नौजवानों, तुमको ड्रग्स को छोड़ना पड़ेगा, तुमको जहर की दानत को खत्म करना पड़ेगा, तुमको एक मोमिन बनना पड़ेगा। तुमने अपने जनाबी के रिश्ते को मजबूत कर दिया, तुमने दुनिया को बता दिया कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम हूं। तुमने पूरे हिंदुस्तान के 19 करोड़ मुसलमानों के सर को वहां से ऊंचा कर दिया कि महाराष्ट्र में ऐसे फंसन दारे तौहीद है जिन्होंने कुरान ने निजात